खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाम के 6 बज रहे हैं। हमारे खास शो मेघदूत आया में आपका स्वागत है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव ने मॉनसून पर राहत भरी खबर दी है। इसकी वजह से मॉनसून ने अब गति पकड़ ली है। मॉनसून ने कहां कहां दस्तक दे दी है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं, राज्य हैं जहां पर मॉनसून ने दे दी है दस्तक। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी झारखंड, ये वो अलग अलग राज्य देश के जहां पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ये नया अपडेट मॉनसून का आपको हम दे रहे हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यहां भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून पहुंच चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून ने दे दी है दस्तक और इसके साथ ही पूर्वी झारखंड में भी मॉनसून के पहुंचने की खबर है। तो ये वो देश के तमाम राज्य जहां पर मॉनसून ने दस्तक दी है। मॉनसून से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोंकण, गोवा, आंध्र और ओडिशा में भारी बारिश, ये ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मॉनसून से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आपको हम दे दें। कोंकण, गोवा, आंध्र और ओडिशा में भारी बारिश, ये एक बड़ी जानकारी। बिहार यूपी में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे के भीतर यूपी और छत्तीसगढ़ में बारिश होने जा रही है और 25 और 26 जून तक मुंबई पहुंचेगा मॉनसून। तो ये तो रही कुछ नई जानकारी मॉनसून को लेकर। अब बिहार की हम बात कर लेते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर वैसे तो अभी चमकी बुखार की वजह से खबरों में है, लेकिन इसके साथ सबको बारिश का इंतजार था। आज यहां बारिश हुई है। क्यों ये बरसात चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए राहत की खबर है, ये आपको बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा। हल्की फुहार के साथ मुजफ्फरपुर में बारिश शुरू हो चुकी है। एसकेएमसीएच अस्पताल के इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये सड़क देख सकते हैं। बारिश किस तरीके से यहाँ अब तेज हो गई है। इस बारिश का इंतजार न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के जिलों में लंबे वक्त से किया जा रहा था और इस वक्त ओवरब्रिज के नीचे खड़े आप तमाम लोगों को मेरे आसपास देख सकते हैं जो बारिश से बचने के लिए इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। बारिश से बचने के लिए खड़े? हाँ, बारिश से बचने के लिए। बारिश से यकीनन राहत तो हुआ, काफी राहत हुआ। गरीबों के लिए एसी का काम कर रहा है, ये बारिश। और भी लोग हैं हमारे साथ इस वक्त, बारिश का इंतजार तो कर बहुत कर रहे हैं और आज बहुत सुहाना लग रहा है। बहुत दिनों के बाद बहुत सुहाना, बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि और वर्षा हो। ये मौसम पूरा सुहाना हो गया है, खेती उती होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और जो मर रहे बच्चे 200-300 बच्चे, वो अब उनके बचने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार के द्वारा तो इलाज किया नहीं जा रहा, बस खाना पूर्ति है। यहाँ पर डॉक्टर्स से भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि जिस तरीके से ग्लूकोज की कमी से बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, इस बारिश के बाद यकीनन बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। लेकिन फिलहाल बारिश का इंतज़ार जो लोग कर रहे थे उनका इंतज़ार खत्म हुआ है और तापमान इस वक्त महज 30 डिग्री रह गया है जो कि लगभग 40 डिग्री के आसपास था। तो यानी कि ये तापमान गिरने से भी मुजफ्फरपुर और आसपास के लोगों को राहत मिली है क्योंकि लोगों का जो बारिश का इंतज़ार था वो खत्म हो गया और मुजफ्फरपुर में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन सहरेश के साथ दिशी, एबीपी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में तो बारिश हुई है, अब देखना यह है कि क्या चमकी बुखार से लोगों को वहां पर राहत मिलेगी।